work in the same office as I do. Abhishek follows a different faith, he follows a different religion. But our common bond is that bond of humanity. And when I spoke to him about my mother's journey, he wanted to share this moment with me, so he has written a few words which is entitled Mama. And for those of us who don't understand Mama, it's not very different from Mama. So Abhishek, I'd like you to come up and read your poem. Few lines I've written for her, like it would be my tribute to her. It's called Maa. Kar kar ke tajurba ye humne dekha hai, apne aks mein bhi maa ko chupa dekha hai. Kar kar ke tajurba ye humne dekha hai, apne aks mein bhi maa ko chupa dekha hai. अपने अशकों में भी प्यार आपका छलका है, मेरी रूह को भी आपने ही तराशा है, मेरी जिंदगी को आपने ही सवारा है, कर कर के तजुर्बा ये हमने देखा है। कोख में आपकी जीवन को मैंने पाया है, कोख में आपकी ही जीवन को मैंने पाया है, आपकी गोद में नूरे जन्नत को मैंने पाया है। मेरे बचपन को आपने इस कदर संवारा है, बेपनाह प्यार से हर लम्हे को निखारा है। आपकी डांट में भी प्यार छुपा होता था, किसी भी पल आपका साथ कभी छूटा ना था। कर कर के तजुर्बाए हमने देखा है, अपने अक्स में भी माँ को छुपा देखा है। देखे बेपनाह प्यार खानदान को आबाद किया, देखे बेपनाह प्यार खानदान को आबाद किया, हर वंश को गुलिस्तान सा रोशन किया। दिल के हर कोने में रहेगा आपकी यादों का नजराना, आपकी यादों और दुआओं से रहेगा दिल को सुकून। कर कर के तजुर्बा ये हमने देखा है, अपने अक्स में भी माँ को छुपा देखा है। देखता हूँ सूरत आपकी खुदा में भी, और मांगता हूँ ख्वाहिश खुदा से अभी, बनी रहे हर वक्त हम सब पर दुआ आपकी। कर कर के तजुर्बाए हमने देखा है, अपने अक्स में भी माँ को छुपा देखा। सुभान अल्लाह, I've just asked Abhishek to translate to English. It's my Hindi and my English is so great. Thank you, Abhishek. Continuing this theme of mother, I would like to invite another young man, Muhammad Bilal Mushaini Sahib, to come and recite a most famous kalam, Maa Di Shaan. SubhanAllah. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز शरीफ, मेरे वाजिब अल एहतराम बुजुर्गों, बहन भाइयों, माएँ, खवातीन और हज़रात, अस्सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सबसे पहले बानी महफिल जनाब राहिब रशीद साहब मदरसा जिला का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ
कि उन्होंने मुझे दावत दी और आज अल्लाह रब्बुल इज्जत के इन मुकर्रबीन के सामने मैं खड़े होकर अपनी हाजिरी लगा रहा हूँ। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमारा आज का यहाँ आना, बैठना, पढ़ना, सुनना, सुनाना अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज्जत जनाब राहिल रशीद साहब की वालदा वाजदा की कब्र अनवर पर करोड़ों बरकतों और रहमतों का नुज़ूल फरमाए। मैं नहायत ही इख्तिसार के साथ माँ के हवाले से चंद अशआर पेश करूँगा। माँ वो हस्ती है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद फुरकान हमीद में उनका जिक्र करता है और अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में नाम का जिक्र आकाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। मैं दुआ करूँ कि जिनकी माएँ हयात हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको नई जिंदगी अता फरमाएं और जिनकी माएँ इस दुनिया से रुखसत फरमा गई अल्लाह ताला उनको जन्नत में फिरदौस में आ जाऊँगा फरमाएं। मैं आप अपने कलाम का आगाज करता हूँ, तमाम हजरात और ख्वातीन से गुजारिश है कि दुरूद पाक का नजराना पेश करेंगे।
गड़ी
पल विच नसीबा for her children whilst she's upon her earthly journey, and how difficult a time it is for when she passes on to her next journey, and how much her children and her grandchildren and her great-grandchildren, the generations, yearn for that shape. Thank you, Rabbi Lord. I want to invite the members here to